दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वंडरशेयर मोबाइल ट्रांस। वंडरशेयर काफी बड़ा नाम है, आपको पता ही होगा। तो इनका ये एक सॉफ्टवेयर है पीसी के लिए और मैक के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली अगर कोई बंदा अपना नया फोन लेता है तो उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है डेटा ट्रांसफर करने में और स्पेशली व्हाट्सएप ट्रांसफर करने में। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आपको व्हाट्सएप ट्रांसफर का फीचर मिल जाए। तो बेसिकली आप अपने पुराने फोन से नए फोन में व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। और इनका जो वर्जन 2.0 आया ना उसमें भाई और भी आपको फास्ट स्पीड देखने को मिलेगी व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर करने की, और साथ ही साथ आप डिफरेंट टाइप्स के और भी डेटा को व्हाट्सएप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो नया वर्जन काफी अच्छा है, यूज करना काफी आसान है, इंस्टॉल कर लो उसके बाद आपको फीचर मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि देख ही सकते हो। तो आपको नॉर्मली अपने दोनों फोन को कनेक्ट करना है यूएसबी के थ्रू। कनेक्ट करते ही आपको बीच में दिख जाएंगे काफी सारे ऑप्शन की क्या क्या आपको डेटा ट्रांसफर करना है, मैसेजेस या फिर मीडिया भी सब कुछ लिस्ट दे रखी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना भाई, नीचे स्टार्ट का बटन दे रखा है, फटाफट से उस पर क्लिक करो, फिर से पूछेगा यस या नो, यस कर देना और आपका डेटा जो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सबसे अच्छी बात, आप एंड्रॉइड से आईफोन में भी ट्रांसफर कर सकते हो, कमाल है ना। इन शॉर्ट भाई बहुत इजी हो गया अपने पुराने फोन से नए फोन में व्हाट्सएप या फिर डेटा ट्रांसफर करना, स्पेशली एंड्रॉइड से आईओएस में। बाकी भाई इनकी क्रिसमस की तगड़ी सेल चल रही है जिसमें आपको 30% ऑफ मिल जाएगा आईफोन टू एंड्रॉइड डेटा ट्रांसफर करने के लिए। सारे लिंक जो है वो भाई डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ऑफर का फायदा जरूर उठा लेना, कर लो भैया डाउनलोड, लाइफ इजी हो जाएगी। तो यार आप में से जो लोग मुझे मेरे व्लॉगिंग चैनल पे फॉलो करते हैं जिसका नाम है इंडियन बैकपैकर, वहाँ पर मैंने एक व्लॉग में दिखाया था कि जब फ्लिपकार्ट की सेल चल रही थी मैंने ये गूगल का नेस्ट मिनी मंगवाया था और साथ ही में ये कॉम्बो आया था बेसिकली एक स्मार्ट स्विच। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए खरीदी ताकि मैं अपने इस गेमिंग रूम को या फिर यूट्यूब स्टूडियो को एक स्मार्ट गेमिंग रूम बना सकूं। तो आपको पता ही है भाई इससे कितनी कमाल की चीज़ें हो सकती है, प्लस में हिंदी में भी अब तो आ गया, ये सेकेंड जनरेशन वाला है तो हिंदी कमांड्स भी ये समझ जाता है। इसलिए भाई आज की वीडियो में इसको अनबॉक्स करेंगे, इसका पूरा सेटअप करेंगे, दो चार कमांड्स पूछ के देखूंगा इनसे कि आंसर कितने अच्छे से देता है या नहीं देता है। और उसके बाद इस स्विच का यूज़ करते हुए भाई थोड़ा सा अपने गेमिंग रूम को स्मार्ट गेमिंग रूम बनाएंगे, जैसे कि मेरे यहाँ पर जो लाइट लग रही है या फिर मॉनिटर लग रहा है या पीसी लग रहा है, तो मैं इस स्विच से इसको कनेक्ट कर दूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं अपनी कमांड की, मतलब कुछ भी मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लाइट ऑन करनी है तो मैं बोल के वो चीज़ करवा सकता हूँ। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही स्विच है, बट अगर ये मेरे को अच्छा लगा, काम ढंग से कर रहा होगा, तो मैं ऐसे 5-10 स्विचेस और मंगवा लूँगा और पूरे रूम को जो है भाई वो तगड़े वाला स्मार्ट गेमिंग रूम बना दूंगा मस्त। मेरे मॉनिटर भी पीसी वीसी सब इसी से चलेंगे। तो अनबॉक्सिंग तो कर ही लेते हैं भाई, बड़ी सिंपल सी है डब्बा, कुछ आईफोन जैसा डब्बा है इसका भी, मतलब बड़ा है उससे ऑब्वियसली, बट खुलने के बाद भाई ऊपर आ गया है अपना ये गूगल नेस्ट मिनी जो कि एक स्पीकर है, देख सकते हो बड़ा छोटा सा है। और इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता ही दूंगा, क्योंकि यार वीडियो में आप तो समझ नहीं पाओगे इसकी अच्छी है नहीं है, बट मेरे कान समझ पाएंगे तो मैं आपको खुद बता दूंगा। साथ में मिलता है भाई एक ये इसके लिए चार्जर या फिर इसका पावर का जो भी प्लग है, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। तो अच्छी क्वालिटी का है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है भाई। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कोई नहीं पढ़ता तो इसको रख देता हूँ, बाकी डब्बा बिल्कुल खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअल में भाई स्पीकर की क्वालिटी है ना ये भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे, मतलब भाई जिस प्राइस रेंज में मैंने ये खरीदा है, वैसे तो महंगा मिलता है बट ये सेल के दौरान काफी सस्ता मिल गया, तो काफी डिसेंट क्वालिटी है, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बेकार, ठीक है मतलब भाई इस प्राइस में। तो बाकी इसके बटन की बात करूं तो यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा ऑन ऑफ का, ये वाला है देखो। बाकी जो ये वाला आप पोर्ट देख रहे हो यहाँ पर वो चार्जर या फिर इसका एडेप्टर लगता है, इसके अलावा पूरे स्पीकर में कहीं पर भी कोई स्लॉट या बटन नहीं है। ये जो छेद दे रखा है ये मेरे ख्याल से वॉल पे हैंग करने के लिए है, तो इसको कील वील पे आप अटका सकते हो, दीवार पे लगाना है अगर। ऊपर का ये जो टेक्सचर है ना भाई ये बड़ा कमाल का है, मस्त फीलिंग आ रही है मतलब की। इसके बाद ये अडेप्टर खोल लेते हैं, ओकट्री कंपनी का है ये, दोनों कॉम्बो में ही आया है साथ में, तो इसमें तो खैर ज़्यादा कुछ क्या ही होगा, ये स्मार्ट अडेप्टर इस तरह का प्लग है बेसिकली, अडेप्टर भी नहीं, तो इस तरह का ये प्लग है। इसमें जो भी आप सॉकेट लगाना चाहते हो वो कनेक्ट कर सकते हो और फिर वो जो भी आपका अप्लाइंस होगा या इक्विपमेंट होगा वो स्मार्ट बन जाएगा, मतलब इसके अंदर वाईफाई होता है जिससे कि आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो करते हैं भाई फटाफट से सेटअप करते हैं और देखते हैं एक दो कमांड्स करके। भाई इसके डब्बे पे देखो एक यहाँ पे यूजेज लिखा हुआ है कि हम इसमें ऑल आउट भी लगा सकते हैं, तो
तो ये तो भाई मेरा काम सबसे ज्यादा इजी हो गया। मतलब रात को ना कभी कभी मच्छर काट रहे होते हैं, बट मेरा जो ऑल आउट लगा हुआ ना बेड से थोड़ा दूर लगा हुआ है, तो मैं आलस के मारे ना ठंड चल रहा है इतनी ज्यादा तो मैं बेड से उठता ही नहीं हूँ, ऑन ही नहीं करता। तो ये सही है भाई, इसमें कनेक्ट कर दूंगा, बैठे बैठे बेड पे कमांड दूंगा और मस्त ऑल आउट चालू हो जाएगी, जब बंद करनी हो सुबह बंद कर सकता हूँ। मस्त है यार ये चीज, चलो फटाफट टेस्ट करते हैं इसको। कनेक्शन मैंने यहाँ पर कर दिया है। सबसे पहले आपको गूगल होम की ऐप को इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर या फिर आपके पास एप्पल का डिवाइस है तो एप्पल की डिवाइस से। ऐप यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, ओपन कर लेते हैं फटाफट से इसको। तो ये करते हैं भैया जल्दी जल्दी, अपना लॉग इन कर लेते हैं किसी भी एक जीमेल अकाउंट से। लोकेशन एक्सेस मांग रहा है, ये भी दे देते हैं। ब्लूटूथ ऑन करने को मांग रहा है, ये भी कर देते हैं। यहाँ पर अभी ये सर्च कर रहा है डिवाइसेस कोई है तो अगर आसपास, ये कर लेना चाहिए क्योंकि मैंने ऑन तो कर दिया। ये देखो लाइट आ रही है इसमें, अभी आ गया है लिखा हुआ नेस्ट मिनी फाउंड, तो इसको कर देते हैं यस। अब ये कनेक्ट कर रहा है अपने डिवाइस से, ये देखो लाइट्स भी जो है वो ब्लू हो चुकी है पूरी चारों की चारों। येलो जी हो गया कनेक्टेड। ओह आवाज भी आई आपको, डिड यू हियर, यस करते हैं, ये भी कर देते हैं यस आई एम इन। अब ये पूछ रहा है हमारा ये जो डिवाइस है ये कहाँ पर रखा हुआ है, तो मैंने अभी ये अपने ऑफिस में रखा हुआ है, नेक्स्ट कर देते हैं। वाईफाई से भाई कनेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। भाई पूरा सेटअप हो चुका है, 8-9 मिनट लगे टोटल। तो अभी आप ये देखते हो स्पीकर, ये जो लेफ्ट में एंड राइट में है ये है वॉल्यूम अप डाउन करने का, तो ये मैंने फुल कर दिया वॉल्यूम। और यहाँ मैं टैप करूंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे फोन पे भी दिखाता हूँ, जैसे मैं लेफ्ट टैप कर रहा हूँ तो वॉल्यूम ये देखो कम होती जा रही है, जैसे मैं राइट टैप कर रहा हूँ वॉल्यूम जो है वो फुल होती जा रही है। तो मैंने 100% पे कर दिया। बाकी बीच में टैप करने से आप पॉज एंड प्ले कर सकते हो, ये तो सिंपल है। और कमांड्स देने के लिए ओके गूगल बोलना है, ये देखो लाइट ऑन हो चुकी है ओके गूगल बोलते ही। काफी लोग इसे हिंदी में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल होम की ऐप पे जाना है, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको असिस्टेंट सेटिंग दिखाई देगी, तो यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ पर आ जाएगा लैंग्वेजेस। तो मैंने यहाँ पर दो लैंग्वेजेस ऐड कर दी है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो पहले ये इंग्लिश सेलेक्ट होती है, तो आपको ये हिंदी अलग से ऐड करनी पड़ेगी या फिर और भी आपको लैंग्वेज मिल जाएगी काफी सारी, देख सकते हो चाइनीज हो गई, मराठी भी है इसमें, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स कर लिया। अब चलो एक दो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं अपने गूगल देवता से। ओके गूगल तुम कैसी हो? बस कुछ नई पहेलियां सीख रही हूँ, आपको बुझना हो तो बोलिए। तो मैंने अभी इससे पूछा तुम कैसी हो, जबकि इसने जवाब दिया तुम क्या कर रही हो। तो पहले ही क्वेश्चन में भैया पोपट हो गया अपना। ओके गूगल, इंडिया में प्लेस्टेशन 5 कब लॉन्च होगा? गूगल, ऑन द वेबसाइट patrika.com दे से पूरी दुनिया में 19 नवंबर को लॉन्च होगा PS5। 19 नवंबर को इसे समस्त दुनिया के सामने पेश कर दिया जाएगा। लो भैया अपने गूगल भी वेबसाइट वाली भाषा बोल रहा है कि 19 नवंबर, जबकि आपको पता ही है इंडिया में तो 19 नवंबर को नहीं आया। ओके गूगल तुम कितना पढ़ी लिखी हो? इंटरनेट पर सर्च करना अपने आप में बहुत अच्छी शिक्षा है। क्या बात है भैया, तगड़ा जवाब दिया। ओके गूगल तुम पागल हो? मुझ में बस दीवानगी है आपकी मदद करने की। ओ भाई सही है। ओके गूगल तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 2016 में लॉन्च हुई हूँ, पर दिन ब दिन सीखकर अपनी बुद्धि बढ़ा रही हूँ। खैरी 2016 में लॉन्च हुई हूँ, बुद्धि बढ़ा रही हूँ। ओके गूगल तुम्हारे अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है, सॉरी आपको निराश किया। आए, बड़ी प्यारी है ये तो। ओके गूगल अनमोल जायसवाल के 1 मिलियन कब होंगे? बेवकूफ ये है कभी नहीं होगा। ओ भाई साहब ये तो मेरे को कह रही है बेवकूफ कभी नहीं होगा। भाई लोग सब्सक्राइब करो, गलत प्रूफ करते हैं गूगल को, 1 मिलियन करने हैं जल्दी से। ओके गूगल मुझे खाना खाना है, क्या करूं? तुम मेरे लिए खाना बनाओ गूगल। हम टीम बनाते हैं, मैं रेसिपी ढूंढती हूँ, आप खाना बनाओ। बड़ी बेशरम हो यार, मैं करूँगा क्या सारा काम, तो वीडियो कौन बनाएगा? आप बहुत खराब हैं, कृपया इस नौकरी के लिए किसी को खोजें। बड़ी गंदी है यार, इनने तो मना कर दिया सीधा सीधा। तो यार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं आने वाली वीडियोस में इससे क्या क्वेश्चंस पूछूं, तो ट्राई करेंगे यार कुछ फनी से क्वेश्चंस आने वाले टाइम में हिंदी में। चलो फटाफट से मैं इस अडेप्टर को लगा के चेक करता हूँ कि कैसे ये ऑन ऑफ होगा या नहीं होगा। यार एक प्रॉब्लम हो गई है, ये जो प्लग है ना भाई ये काम नहीं कर रहा। मैंने इसको जब अपना सॉकेट में लगाया तो इसकी ये लाइट ही ऑन ऑफ नहीं हो रही है, ना ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब ये खराब है। इसके साथ साथ भाई मेरी किस्मत भी खराब है, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से लगभग 2-2.5 हफ्ते पहले मंगवाया था, तो अब तो इसका जो रिटर्न या फिर रिप्लेस वाला पीरियड है वो भी खत्म हो गया। कोई नहीं भाई देखी जाएगी। चलो भैया फिर खत्म करते हैं आज की वीडियो को, इतना ही था। बहुत जल्दी मैं और एडेप्टर्स खरीद लूंगा और पूरा स्मार्ट रूम बना दूंगा, उसके ऊपर आप एक वीडियो देखना चाहते हो फ्यूचर में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी लाइक एम रख देते हैं भाई, 20,000 लाइक्स का इनो आप लोग करवा दोगे। और वंडरशेयर मोबाइल ट्रांस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा सकते हो। क्रिसमस सेल चल रही है, 30% ऑफ है तगड़ा, और क्या चाहिए भैया। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय बाय।